फ्रेश दूध और सब्जी के लिए अब घंटों इंतजार नहीं। बिग ब्लिस पर ऑर्डर करें और 10 मिनट में पाएं अपने घर फ्रेश दूध और सब्जी। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, एग्री वीकली कॉन्कॉल में आपका स्वागत है। देखिए, पूरे एग्री पैक की बात करें तो काफ़ी मिक्स फंडामेंटल के साथ मार्केट मूव कर रहा है। जहां हमने कैस्टर के अंदर फिर से रिकवरी आते हुए देखी, वहीं हमने देखा अपसाइड कैप भी है, बिकॉज चाइना मार्केट क्लोज होने की वजह से कैस्टर की जो डिमांड है उस पर थोड़ा डेंट जरूर लगा है, बट सप्लाई साइड शॉर्ट होने की वजह से प्राइजेस 7 के नीचे भी जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो मिक्स फंडामेंटल को देखते हुए हमें लगता है 7100 से 7350 का एक रेंज है, इसी रेंज में कैस्टर ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। मीडियम टर्म प्लेयर लेके चल सकते हैं जब तक प्राइजेस 7000 का लेवल ब्रिज नहीं करता है, ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। वहीं मसालों में अच्छी तेजी के बाद कहीं ना कहीं प्राइजेस अप साइड पे एक कैपिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। हल्दी सबसे अच्छा उदाहरण है, जहाँ पे अच्छी तेजी के बाद हमने एक वापस पुल बैक आते हुए दिखा है। सोइंग सीजन जल्द स्टार्ट होने वाला है, जिसके चलते उम्मीद है कि इस बार भाव को देखते हुए सोइंग बढ़ सकती है, बट कहीं ना कहीं इम्यून बूस्टर के तौर पे एक्सपोर्ट डिमांड हल्दी का इस बार अच्छा रहने की उम्मीद है, जो ध्यान रखकर काम करना चाहिए। टेक्निकली अगर देखें तो 89,000 तक के लेवल अगर हमें इस पुल बैक में मिल जाए तो काफ़ी अच्छा मौका बनेगा बाइंग के लिए। लॉन्ग टर्म काफ़ी स्ट्रांग है और अगले हफ्ते के लिए 9 के नीचे लेके चलिए, 9,350 के टारगेट के लिए। जीरे धनिया में हमने कहा, देखिए लॉन्ग टर्म काफ़ी तेज है, बट शॉर्ट टर्म में हमने देख रहे हैं कि प्राइजेस अपसाइड कैप नहीं कर पा रहा है, रुक नहीं पा रहा है, बिकॉज ऊंचे भाव में कोई भी स्टॉकिस बाय करना नहीं चाहता। क्वालिटी इश्यूज को देखते हुए प्राइजेस में तेजी जरूर आई है, बट संभल के ट्रेड करना बहुत जरूरी है। तो जीरे और धनिया में हमने 2-2% की तेजी वीकली बेस पे देखी है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, उस प्रॉफिट बुकिंग के बाद ही हम लेके चलेंगे। मेंथा की बात करें तो अच्छे तेजी के बाद हमने एक अच्छा खासा फॉल भी देखा है, वॉल्यूम कम होने की वजह से ये फॉल अप दिखा है। बाकी मंडी में हमने देखा टैक्स को लेके कुछ कंसर्न्स है, डिमांड को लेके अभी भी कंसर्न्स बन रहे हैं क्योंकि चाइना मार्केट लॉकडाउन में है, बट सोइंग पैटर्न इस बार ड्रॉप हुआ। बासफ ने भी सिंथेटिक का प्रोडक्शन कटौती की बात की, जिसकी वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिलेगा। तो इन ऑल मेंथा बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के ही चलिए। वहीं अगर हम मसाले के बाद अगर कॉटन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो कॉटन सीड ऑयल किक के अंदर गिरावट जरूर है, बट एक चीज़ ये देखनी है कि पिछले 3 महीने से मार्केट किस रेंज में है। हमने देखा 3000 के नीचे प्राइजेस जा नहीं पा रहा है, ना 3300 के ऊपर होल्ड कर पा रहा है। कहीं ना कहीं मार्केट कंसोलिडेशन मोड में है और बैलेंस शीट टाइट होने की वजह से हमें लगता है एक बड़ी तेजी के लिए मार्केट तैयार है, बट 3300 का लेवल तोड़ना इंपॉर्टेंट है। तो अनलेस अंटिल 3300 का लेवल ब्रिज नहीं होता है, मार्केट 300 पॉइंट के अंदर ही मार्केट मूव करेगा, बट 3300 का लेवल तोड़ने पे 3850 से 4000 के जो लेवल है वो कभी भी दिखा सकता है। जिस ढंग से बाकी फाउंडर्स के भाव बढ़े हुए हैं, कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट कॉटन सीड ऑयल की को भी मिलेगा। साथ में हमने देखा कि दूध के भाव बढ़ने की वजह से कॉटन सीड ऑयल की को सपोर्ट मिल रहा है। वहीं कपास के अंदर भी हम 2240-50 का लेवल फिर से उगते हुए देखेंगे। ऊंचे भाव के चलते स्विंग बढ़ने की उम्मीद जरूर है, बट ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स के अंदर डिमांड ज़्यादा है, जिसमें स्विंग एरिया बढ़ सकता है, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट कॉटन पे पड़ता हुआ, कपास पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं कॉटन में हमने देखा इंडिया ने जिस ढंग से ड्यूटी में कटौती की है, उसका इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट हमने आइस कॉटन पे बनते हुए देखा और प्राइजेस 144-145 सेंट तक चले गया था। थोड़ा पुलबैक जरूर आया है, बट उस पुलबैक पे लेके काम करना है। तो इन ऑल कॉटन डोमेस्टिक मार्केट पे कहीं पे भी पुलबैक मिले लेके चलिए। ओवरऑल प्राइजेस 48,000 के लिए तैयारी कर रहा है। वही कॉटन सीड ऑयल के 3300 के ऊपर निकलने पे ही हम एक बड़ी तेजी देखेंगे। कपास 2240 से 2260 के लेवल दिखा सकता है। वहीं ओवरऑल अगर पिक ऑफ द वीक की बात करें तो हमें लगता है गवार को बोलना नहीं चाहिए। जिस ढंग से US गवर्नमेंट कंटिन्यू गवार पे सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है, मतलब ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को, उसका सीधा सीधा सपोर्ट गवार को भी मिलता हुआ दिखाई देगा। गवार में हमें लगता है 6200 का लेवल फिर से मिल जाए तो एंट्री के लिए बेहतरीन है, जो 6600 से 6800 तक के लेवल दिखा सकता है। वहीं गवार गम में भी फिर से पहले जैसी तेजी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। करंट मार्केट से भी लिया जा सकता है, जो ऊपर में 13500-13800 का जोन भी हायर साइड में दिखा सकता है। तो ओवरऑल गवार कॉम्प्लेक्स, कॉटन सीड ऑयल केक, ये कॉम्प्लेक्स हमें अच्छी तेजी दिखा सकते हैं अगले हफ्ते के लिए। धन्यवाद।